मार्कोसिट में बेकिंग के लिए सबसे पहले कई सारे प्रोसेस होते हैं एक तो होता है कि हम ग्रुप में जैसे एक होता है इन्वामेंट में पूरी ये ऑब्जेक्ट हटा देंगे हम या तो अलग अलग ले जा बेक कर लो ऐसे करके भी बेक कर सकते हैं या फिर मार्गोशीट में सबसे ज़्यादा फायदा यही है कि हम ग्रुपिंग यहाँ से कर लें तो ग्रुपिंग करने के लिए हमें लो रेंज और हाई रेंज का ग्रुपिंग करना पड़ता है सबसे पहले एक ग्रुप बनाएंगे लो पॉली का जिसमें लो पॉली रहेगा एक ग्रुप बनाएंगे हाई पोली का जिसमें सिर्फ हाई पोली रहेगा तो ग्रुपिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो ग्रुप बना रहे हैं उस ग्रुप में कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करे या तो एक दूसरे पर उसका इम्प्रेशन आएगा तो फिर वो सही नॉर्मल पेक नहीं करेगा इसके लिए हमने ये ग्रुप बना दिया ये सारे ऑब्जेक्ट हैं इसको हमने कितने एक दो तीन चार ग्रुप में बांट दिया इसको एक ग्रुप बना लिया इसका एक ग्रुप बना लिया और इसका एक ग्रुप बना लिया और ये स्क्रू सारे एक ग्रुप में कर दिए सेम यही चीज़ हमने हाई पॉली में करा अगर मैं यहाँ से हाई पॉली मूव करके तो तुम्हें पहले तो मैं लो पॉली को अलग मूव करता हूँ अब यहाँ से मैं यहाँ बैक सपोर्ट बैक सपोर्ट सपोर्ट करूँ तो दोनों का सेम सेम सेलेक्ट हो रहा है बैक हाई बैक लो दोनों का सेम है फिर लेग हाई लेग लो सेम है स्क्रू स्क्रू ये सेम है अब इन सबको एक ही पोजिशन पर हम करेंगे तो हमने इसीलिए हमने ग्रुप करके मूव करा था तो ये जो भी वैल्यू है इसको सीधा ज़ीरो करेंगे वो अपने जगह पे आ जाएगा अब इसको हम एक एक करके एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ से लो पॉली में जाएंगे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट सिलेक्टेड कई बार होता है कि यहाँ लो ये बी शो सो नहीं होता उसके लिए हम विंडो सेटिंग प्रेफरेंस लेग इन मैनेजर यहाँ पे होगा एफ वी एक्स एफ बी एक्स एक्सपोर्टर एक्स ये रहा एफ बी एक्स माया इसको चेक इन कर लेंगे ये ऑन नहीं रहेगा तो वहाँ पे सो नहीं होगा तो इसको ऑन कर लिया अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट सिलेक्शन हम लो पॉली एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले बेक कर चुके हैं हम तो यहाँ लो पॉली जब बेक कर रहे हैं तो ये लो पॉली को लो पॉली पे एक्सपोर्ट करेंगे और उसमें ये ट्रैंगुलेशन ऑन होना चाहिए क्योंकि किसी कोई भी इंजन जो होता है इंजन हमेशा ट्रैंगुलेशन सपोर्ट करता है अगर तुम ऐसे भी मैच ले जाओगे जब इंजन में इम्पोर्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिक ट्रैंकुलेट कर देगा अगर वो गलत डायरेक्शन में ट्रैंकुलेट करेगा फिर वहाँ तुम्हारा मैच खराब हो जाएगा वहाँ सीडिंग बनने लगेगी इसलिए ट्रैंगुलेट करके करते हैं हाँ हाई पोली हमारे जैसा होता वैसी है वैसी हम हाँ, हाई हाँ, पोली वो एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि हाई पोली हमारे ज़्यादातर जीब्रस में काम होता है जीब्रस से जब भी हम डेसीमेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसे ट्रैंकुलेट करके ही हमें देता है अब यहाँ से हम हाई रेज एक्सपोर्ट करेंगे तो इसके लिए एक्सपोर्ट सिलेक्शन हाई रेज एक्सपोर्ट ये हो गया अब हम आएंगे मार्मा सेट में यहाँ से मारमोसेट ऑन करा और यहाँ पे बेकर होता है जिसके अंदर हम बेक करते हैं तो ये बेकर पे क्लिक करेंगे उसके तो बाद यहाँ पे आ जाएंगे नीचे लोड लोड पे जाके उसी पाथ से जहाँ पे हमने निकाला है हमने हाई रेंज इंपोर्ट कर लिया आइए जैसे शो अगर नहीं हो रहा तो यहाँ से एचपी क्लिक करेंगे ये हाई पोली शो के लिए होता है तो जो भी हाई पोली होगा वो शो so होने लगेगा इसमें मिडिल माउस से इन स्क्रोल आउट होता है और लेफ्ट अल्ट से रोटेट होता है और इन्वामेंट रोटेट करना है तो शिफ्ट प्लस राइट लिक ये हो गया अब फिर हम इस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ से लोड लोरेज तो माया में हमें बनाने का यही फायदा होगा कि जब हम यहाँ से लोड करेंगे तो ऑटोमेटिक लो के अंदर लो आ जाएगा हाई के अंदर हाई आ जाएगा नहीं तो हमें यहाँ पे अलग से वो पूरा फोल्डर आ जाएगा उसमें से एक एक लो के अंदर लो हाई के अंदर हाई डालना पड़ेगा जहाँ से हमें सिर्फ लो अगर देखना है तो यहाँ से क्लिक कर देंगे तो so, हाई हमारा हाइट हो जाएगा सिर्फ़ लो दिखेगा और सिर्फ हाई देखना है तो सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ़ हाई दिखेगा अगर हमें दोनों शो करना है इस पर क्लिक करो फिर इस पर क्लिक करो दोनों शो हो जाएगा तो हमें अभी सिर्फ लो से मतलब है तो लो को हमने सेलेक्ट करा ये सेटिंग होता है यहाँ पे ये हम हमें कहाँ पे बेक करना है तो हमने बेक सेट के अंदर जो बेक फोल्डर बनाया उसके अंदर मैप फोल्डर बनाया उसके अंदर हम इसको पे कर रहे हैं टी जी फॉर्मेट में यहाँ हम फाइल का नाम रख देंगे फाइल के नाम से निकालेंगे एक्सपोर्ट तो वो उस फाइल के नाम से टी जी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेगा ये सैम्पल रखेंगे ये सब कुछ नहीं करना ये वो होता है पैडिंग हम अपने फाइल में कितनी पैडिंग रखे हैं वो रखेंगे अगर नहीं हम चेंज करते हैं इसको रख देंगे अगर नन तो वो नहीं एक्सपोर्ट करेगा मॉडरेट रखेंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट करेगा एक्स्ट्रीम रखेंगे तो इन्फिनेटिव जितना स्पेस उसे मिलेगा उतने तक वो एक्सपोर्ट कर देगा अगर कस्टम हम अपने डिसाइड कर रखा कि हमारी पैडिंग इतनी जाएगी यहाँ कस्टम करेंगे और जितनी हम ने डिसाइड कराएगा तो हमने इसमें सोलह पिक्सल डिसाइड कर रखा है कि टू के में सोलह पिक्सल जाएगा पैडिंग यहाँ सिक्सटीन टाइप कर दिया हमने तो वो पैडिंग सोलह पिक्सल लेगा हमारा मैप साइज जो होगा वो लिख देंगे यहाँ पे इसके लिए यहाँ से बड़ा करना है तो बड़ा होगा यहाँ से छोटा करना है छोटा होगा या तो हम मैनुअल टाइप कर सकते हैं यहाँ से मैं कौन कौन से मैप बेक करने हैं तो अभी हमें सिर्फ नॉर्मल मैप बेक करना है यहाँ से हमने नॉर्मल सेलेक्ट करा अब यहाँ ऊपर आएंगे यहाँ से करेंगे बेक बेक करने के बाद ये ऐसे अगर शो नहीं हो रहा तो यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे फिर ये शो होने लगेगा और ये मैप हमने जहाँ पाथ दिया था वहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है तो इसके लिए हम जाएंगे अब माया में माया में हाई को हम करते हैं हाइड अब जाते हैं लो पॉली पे लो पॉली पाने के बाद हम यहाँ बम्प के अंदर जाएंगे बम्प के अंदर आने के बाद फाइल तो कर देंगे टेंजेंट यहाँ से वो फाइल हम जो फाइल कर, जिस बात पे हमने एक्सपोर्ट करा है उस बात पे जाएंगे हमारी फ़ाइल ये रही जो करेंगे ओपन तो यहाँ अगर शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड में फाइव प्रेस करें सिक्स प्रेस करेंगे तो टेक्सचर मोड ऑन हो जाएगा यहाँ से भी होता है वो चीज़ तो हम यहाँ से कर लेंगे उसके बाद हम अपना फाइल चेक कर लेंगे बेग सही आ रहा है ना अगर सब कुछ सही है तो ठीक है अगर नहीं है तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगा वहाँ हम ट्विकिंग करेंगे और फिर से उसे यहाँ से लोपल में अगर ट्विकिंग कर रहे हैं तो लोपली एक्सपोर्ट करेंगे हाई पुली में ट्विकिंग कर रहे हैं तो सिर्फ हाई पुल एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ फिर से यहाँ आने के बाद मार्गो सीट में हम इसे यहाँ से रिलोड कर देंगे अगर देखना होगा कि हमारा कौन सा हाई है कौन सा लो है। अगर ये ऑन रहेगा तो दोनों रिलोड कर देगा अगर नहीं रहेगा तो सिर्फ जिसको हम रिलोड करेंगे उसको होगा तो ये ऑटो ऑन करता हूँ अगर जब भी करना हो तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और लोरेज जो भी वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे उस बात पे वो रीलोड कर देगा बाकी जो भी मैप हमें बे करने हैं वो एडिशनल मैप के लिए हम यहाँ आना पड़ेगा हमें तो बेसिकली अगर हम पेंटर में टेक्स्चर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें नॉर्मल लगेगा वर्ल्ड नॉर्मल लगेगा पोजीशन, कर्वेचर, हिकनेस और आईडी तो आईडी हम यहीं से डिसाइड कर लेंगे जो मटेरियल कलर डालेंगे वो हो जाएगा आई डी बेक करने के अलग, अलग अलग तरीके हैं ऑब्जेक्ट वाइज होगा जो जितने ऑब्जेक्ट है अलग अलग कलर बेक कर देगा ग्रुप आई डी जितने एक ग्रुप में होंगे वो उसके अकॉर्डिंग बेक करेगा यू वी आइसलैंड हमारी जो यू वी यहाँ पर हमने बनाया है ये जो हमारी यू वी है तो ये एक यू वी को एक यू वी आइसलैंड आईस, बोलते हैं तो ये अलग अलग सबको अलग अलग कलर दे देगा तो हमने अगर मटेरियल पहले से बना रखा है इस पर तो हम यहाँ से डिफ्यू एल डाउनलोड एल करेंगे एल बी बेक करेंगे तो वो सारी मैप आ जाएंगे हम एक्स्ट्रा में दो मैप बेक करते हैं कन्वेक्सिटी और केविटी केविटी और कन्केविटी ये दोनों कई जगह पल कन्वेक्सिटी होता है कई जगह पर केविटी होता है तो ये कन्वेक्सिटी और कनकेविटी होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे तो बट ये दोनों हमारा होता है कि डिटेल के लिए हम रखते हैं उसे डेफ्ट और हाईलाइट के लिए कई जगह यूज करते हैं तो इसलिए इन दोनों को भी हम साथ में बेक कर लेते हैं तो इनको हम चेक इन कर लेंगे इसके लिए हम चाहते हैं कि बार बार चेकिंग नहीं करना पड़े तो यहाँ से आके हम ये प्रीसेट सेव भी कर सकते हैं इस प्रीसेट में आएंगे जहाँ भी सेव करना है तो वहाँ पे हम उस नाम से सेव कर देंगे प्रीसेट तो ये सेव हो जाएगा उसके बाद जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम सीधा यहाँ आएंगे लोड लोड पे कर देंगे तो ये सारे ऑटोमेटिक आ जाएगा तो हम बेसिकली करते ये हैं कि इसको पहले वो कर दें पहले हम ऐसे ऑन करने के बाद ही ये सेव करेंगे तो इससे ये होगा कि जब भी हम लोड करेंगे तो ये सारा ऑटोमेटिक ऑन आ जाएगा अब जब हम इन सबको बेक करना है तो अभी ये करने के बाद हम यहाँ से और फिर बेक पे क्लिक कर देंगे तो ये एक एक करके सारा मैप बेक हो जाएगा अब अगर देखोगे यहाँ पे हमारा फोल्डर ये रहा तो यहाँ पे सारे मैप हमारे ये बेक हो गया हमने आइडिया भी डिसाइड नहीं करा था पूरा पूरा वाइट निकाल दिया ये हमारा एओ हो गया ये हमारा केबिटी हो गया यहाँ पे नाम दिखेगा ये हमारे कन्वेक्सिटी हो गया ये कर्वेचर हो गया ये नॉर्मल हो गया ये वर्ल्ड नॉर्मल हो गया ये पोजीशन मैप हो गया ये थिकनेस मैप हो गया ये सारे मैप हो गए तो इसको बेक करने के एक और तरीका होता है यहाँ पे अभी हमारे जितने भी हैं ये सारे अलग अलग आया है एक एक करके अलग अलग टी फाइल दिया है हम चाहते हैं कि एक ही पी में ये हो जाए तो यहाँ से बस ये मल्टी लेयर ऑन करना होता है मल्टी लेयर ऑन करने के बाद हम जब बेक करेंगे इसे तो ये सारा का सारा हमें एक ही पीएचडी के अंदर बेक करके दे देगा थोड़ा तो टाइम लेगा तो ये बेक हो गया हमारा अब हम इसे देखेंगे यहाँ पे तो एक पीएचडी आ गया जब हम इस पीएचडी को खोलेंगे यहाँ पे सारे मैप अरेंज हमें मिलेंगे इसे फ़ायदा ये होगा कि हमें एडिट करना होगा तो एक ही पी के अंदर सारे मैप आ जाएंगे हमें जिस जिस में एडिट करना है वहाँ से एक को सिलेक्ट करेंगे उस मैप में एडिट कर लेंगे यहाँ से चेक करने के लिए हम यहाँ से अगर जब हम टी पे करेंगे तो यहाँ से चेक कर लेंगे बट पी में होता है तो वो चेक नहीं होता तो नहीं करते यहाँ पे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो जब हम पहले एक बार चेक कर लेंगे टी से सब कुछ सही बेक आएगा उसके बाद हम पीएचडी में बेक कर लेंगे बस इतना ही होता है बाकी रेंडरिंग वगैरह का होता है तो वो अलग चीज़ें हैं अलग से जब हम इसे टेक्सचर कर लेंगे फिर उसे रेंडर भी देखेंगे इसका